तो आज से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ एक सीरीज जिसमें हम लोग होटल बालाजी प्रकाश जैसे बड़े बड़े होटलों में जाकर उनसे ये पूछेंगे कि क्या वो हमको होटल का टूर करने के लिए अलाउ करते हैं कि नहीं। और हमारा पहला होटल है द होटल बालाजी प्रकाश। तो अभी हम लोग अपने पहले होटल की ओर है और ये है होटल बालाजी प्रकाश जो कि हमारे स्टेशन के ही साइड रोड पर है। यहाँ पे फूल के पेड़ लगे हुए हैं, ये कोई पेड़ है पता नहीं, एक सुंदर सी तितली। आजा प्लीज आजा, अगर वीडियो वायरल हुई तो ये पक्का आएगी मेरे हाथ पे। आजा ये ले फूल तेरे लिए। तो ये है एक जगह जहाँ पर मुझे डर लग रहा है कोई आकर मुझे भगा ना दे। ये है एक जगह जहाँ पर लोग अपनी शादी वादी कराते हैं, किसी को शादी वादी करानी हो अपनी या अपने किसी रिश्तेदार की या दोस्त भी हो सकता है, तो वो यहाँ पर ना आए क्योंकि हो सकता है दुल्हन इस बड़े से गड्ढे में गिर सकती है और ये गड्ढा फिसलनदार भी है। तो गाइस होटल में तो हम लोग आ चुके हैं बट जो हम लोग का मेन काम है कि होटल के अंदर जाना और उनसे पूछना, तो चलते हैं। मुझे थोड़ा सा अंदर से घबराहट सी हो रही है और होटल के अंदर जाते समय मुझे दिखते हैं सिक्योरिटी गार्ड और कुछ लोग जो कि मुझे घूर रहे होते हैं। और ऑब्वियसली से बात है कोई इंसान कैमरा पकड़ के खड़ा रहेगा तो घूरेगा ही उसको। और इसके बाद मैं पहुंचता हूं एंट्रेंस गेट पर और जैसे जैसे ही मैं आगे आगे कदम बढ़ा रहा था मेरी दिल की हार्ट बीट और तेज़ हो रही थी। बट फिर अंदर आने के बाद मेरी बात होती है रिसेप्शन पर बैठे भैया से और वो मुझसे कुछ ये कहते हैं। तो गाइज यहाँ के जो मैनेजर हैं जो कि रिसेप्शन पे बैठते हैं, तो उन्होंने कहा है कि अभी हमारे मैनेजर बाहर गए हैं लंच करने, सबका लंच टाइम चल रहा है अभी और हम लोग लंच टाइम के समय आ गए हैं और उन्होंने हमसे बस यही कहा है कि आप उनसे पूछ लो तो आप जा सकते हो। तो हम लोग का 50-50% श्योर है कि हम लोग अंदर जा सकते हैं, पर क्या पता यार मैनेजर ने हम लोग को मना कर दिया तो, बट हम लोग अपनी पूरी कोशिश करेंगे। तब तक के लिए बाहर ही से तो घूम लें। और ये है इनका क्या कहते हैं इसको, फुआरा। गाइज ये है शायद पूल एरिया। हम जैसे लोगों को घुसा के ना कोई गलती कर देता है। ये पौधे लगे हुए हैं और हैंड पाइप। पानी है इसमें बट वो आ नहीं पा रहा है। जब मैं बचपन में यहाँ पर आता था तो यहाँ पे ना इसमें मछलियाँ तैरती थी। इसमें देखो इन सब के बाद मैं सोचता हूँ इन सिक्योरिटी गार्ड अंकल से बात करने की, क्योंकि क्या पता ये हमें होटल का टूर कराने में मदद करें। तो फिर मैं उनको बताता हूँ कि हमें होटल का टूर करना है तो क्या ये पॉसिबल है, तो फिर ये सिर्फ यही चीज़ कहते हैं कि नहीं हो पाएगा। बट हार ना मानते हुए मैं इधर उधर घूम रहा होता हूँ जैसे कि ये होटल का हॉल, और लोगों से पूछ भी रहा होता हूँ कि हमें मैनेजर कहाँ मिलेंगे। और सच्ची बताऊँ इस वक्त पे मेरा मूड ऑफ हो जाता है और मुझे सिर्फ यही लगता है कि अब हमें चलना चाहिए। और जब हम लोग बाहर की तरफ निकल रहे होते हैं तब आते हैं ये अंकल। आप मैनेजर हैं?
अच्छा आपसे एक बात थी कि इस होटल का हम लोग को टूर मिल सकता है क्या? मतलब हम लोग को बस ऐसे ही एक्सप्लोर करना है, इधर उधर ज़्यादा जाना नहीं है, तो क्या हम लोग को इसका टूर मिल सकता है? मतलब टूर में क्या चाहते हो? जैसे हम लोग बस वीडियो में होटल को घूमेंगे और एक्सप्लोर करेंगे, आपका होटल करवा देंगे। ओह भाई साहब, थैंक यू सर। फाइनली एंट्री हो गई। रूम तरीफ इकोनॉमी डीलक्स सुपर डीलक्स, सबसे महंगा ये वाला राइट, सूट सुपर डीलक्स। और फिर रिसेप्शन वाले भैया एक और भैया को बुलाते हैं, ये भैया जो कि हमें होटल का टूर कराने में हेल्प करेंगे। तो अभी ये भैया हम लोग के साथ जा रहे हैं और हम लोग एक्सप्लोर करते हैं ये होटल। और इसके बाद हम लोग जाते हैं रूम सेक्शन के तरफ। यहाँ के रूम्स हैं जो कि आप बाहर से देख सकते हो। और ये है इस होटल का रूम। ये है एक बड़ा सा मिरर जिसमें आप अपना थोपड़ा देख सकते हो। और यहाँ पर है एसी, ये वाला डीलक्स रूम है, सुपर डीलक्स रूम है। तो यहाँ का जैसे हम लोगों ने नीचे देखा था कि एक चिट पे लिखा हुआ था कि सुपर डीलक्स रूम डीलक्स रूम, तो ये हमारा सुपर डीलक्स रूम है जिसमें आपको एक मिलता है सॉफ्ट सा बेड। और यहाँ कॉल करने के लिए, मतलब स्टाफ को बुलाने के लिए ये है। अच्छा, तो ये है यहाँ का वॉशरूम जो कि यहाँ से स्टार्ट होता है और यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। और ये है नल, टैप बोलते हैं इसको, टैप, ये मेरी भाषा है नल। और ये है हमारा सेकंड रूम। तो ये सुपर का सुपर डीलक्स रूम है, सुपर डीलक्स। तो ये सबसे महंगा वाला रूम है, ये है सबसे महंगा रूम यहाँ का। और ये है टीवी, भैया रिचार्ज है टीवी में। और यहाँ पर है एक अलमारी जिसमें आप अपने कपड़े रख सकते हो। और ये हैंगर भी दिया हुआ है और एक रजाई भी दी हुई है। और यहाँ पर एक हमको छोटा सा फ्रिज भी दिया हुआ है जो कि चल रहा है। और ये है हमारा वॉशरूम। तो गाइस मैनेजर अंकल ने हमको इन भैया के साथ भेजा है रूम को एक्सप्लोर करने के लिए। और भैया से उनका नाम पूछते हैं, आपका नाम क्या है? अब्दुल शेख। और आप यहाँ से, मतलब यहाँ पर कितने सालों से काम कर रहे हैं? करीबन 9 से 10 साल। तो आपको मतलब अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो गया है यहाँ पर।
तो आपका सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस कौन सा रहा है यहाँ पर? बेस्ट एक्सपीरियंस जो हमारे आपको मैनेजर साहब भेजे हैं सबको एक्सप्लोर बहुत अच्छे से करते हैं, कोई भी छोटा बड़ा कोई अगर कहता है कोई चीज़ मना नहीं करते, जो हमारे जनरल मैनेजर संतोष सिंह हैं। अच्छा, तो मतलब यहाँ का व्यवहार बहुत अच्छा है, बिहेवियर जो यहाँ का हमारे मैनेजर साहब का एकदम 100%, कोई अगर कुछ कहता है उनको अगर लगता है तो किसी चीज़ को मना नहीं करते, जैसे आप भी कहे होंगे तो तुरंत आपको आज्ञा दे दिया होगा आप जा सकते हैं। जी ये तो बात है, और यहाँ का व्यवहार बहुत अच्छा है और एनवायरनमेंट भी बहुत खुशहाल है, और जैसा हम लोगों ने सोचा था कि हम लोग को भगा दिया जाएगा बट वैसा नहीं है, यहाँ का व्यवहार बहुत अच्छा है। तो थैंक यू भैया, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, और अब हम लोग जा रहे हैं रेस्टोरेंट में। तो आप पूरे फैमिली के साथ आए हो तो इस पे बैठो, और आप किसी दो इंसान या अकेले आए हो तो आप इस पे बैठो। तो यहाँ रेस्टोरेंट में भी टॉयलेट्स बना हुआ है जो कि है यहाँ पर, जो कि हम लोग को यहीं से दिख जा रहा है। हाँ तो सर आप क्या लेंगे? ए मैं वेटर का था अभी। हाँ तो सुनो, दो कुछ मतलब यार पानी पिला, और पेड़ पौधे यहाँ पर भी लगाए हुए हैं बराबरी से। तो ये रेस्टोरेंट भी कुल मिला के शानदार है। तो कुल मिलाकर इस रेस्टोरेंट में हम लोग को बहुत ही अच्छा लगा, और ये सबसे अच्छी बात हम लोग को लगी कि हम लोग का ये जो डर था कि हम लोग को आने देंगे कि नहीं, तो ये चीज़ तो हम लोग का मिट चुका है कि हम लोग को आने दिया है इन लोगों ने, और ये सबसे अच्छी बात है। और अभी कुछ बातें करते हैं और फिर चलते हैं। भैया वैसे आप यहाँ पर कितने सालों से काम कर रहे हैं? 10 साल से। तो 10 साल में मतलब आपका एक्सपीरियंस क्या रहा है यहाँ पे काम करने का? आपको सबसे अच्छी बात क्या लगती है यहाँ की? सबसे अच्छी बात ये रहती है कि हर रोज़ एक नए लोगों से मिलना। जी ना, हर लोगों से नए मिलने पे एक नई चीज़ सीखने को मिलती है, तो सबसे अच्छी बात तो यही है। और कोई बुरी बात जो आपको लगती हो? बुरी बात? हाँ। बुरी बात ऐसे है क्या कि कोई अगर नसीब में आता है तो वो सब सारी चीज़ें नहीं ठीक है, ना यहाँ के लिए ना तो फिर सामने रिसेप्शन के लिए। एनवायरनमेंट चेंज हो जाता है, है ना? हाँ, माइंड भी फिर डिस्टर्ब होने लगता है, देखो पी कर आया है ये बंदा। और फिर हम लोग जाते हैं मैनेजर सर से। सर आ सकते हैं हम लोग अंदर? सर जैसे आपका मैनेजरिंग का काम है तो आपका भी हम लोग एक्सपीरियंस पूछेंगे कि कैसा लगता है आपको यहाँ पे काम करने में, तो आप हम लोग को कुछ एडवाइस दीजिए, बताइए कि आपको यहाँ पर कैसा लगता है, और एक एडवाइस जो कि आप दुनिया को देना चाहते हो। बहुत अच्छा लगता है, बहुत मज़ा आता है काम करने में। और एक एडवाइस जो कि आप लोगों को देना चाहते हो काम करने के, तो एडवाइस ये देना चाहूँगा कि जैसे लोग बार बार अपना जगह चेंज करते रहते हैं, संस्थाओं को चेंज करते हैं, वो बहुत अच्छी बात नहीं होती है। ठीक है, कुछ तो इंक्रीमेंट उनके सैलरी में होता है, लेकिन एक जगह काम करने का अनुभव बहुत अच्छा होता है। हमारे यहाँ स्टाफ जो है लगभग 10-10 साल से 15-15 साल से काम कर रहे हैं। मैंने पूछा उन लोगों से और उन लोगों ने कोई भी हेट नहीं दिया है, उन लोगों ने बस यही कहा है कि मैनेजर यहाँ के बहुत अच्छे हैं, और रियली आपका नेचर जो है और यहाँ का एनवायरनमेंट जो है वो बहुत खुशहाल वाला है। तो यहाँ पर मतलब अगर आप रूम लोगे तो आपको कभी भी ऐसा नहीं लगेगा कि कहाँ पर मैंने रूम ले लिया, आपको अच्छा ही लगने वाला है। तो थैंक यू सर, हम लोग को यहाँ पर आने पर बहुत अच्छा लगा, और हम लोग यही आपको रिकमेंड करेंगे कि होटल बालाजी प्रकाश में आप ज़रूर एक बार आएँ। थैंक यू सर।
और फिर हम लोग अपना काम करके जा ही रहे होते हैं कि पीछे से आवाज आती है, भैया ने हम लोगों को चाय की ट्रीट के लिए रोका है। अब इससे बड़ी बात ना मैंने सोची नहीं थी, मतलब ये तो बहुत बड़ी बात है गाइज। जाएं? अच्छा चाय पी ले। तो मेरा जो कैमरामैन है अभी वो गया है वॉशरूम, और यहाँ पे मैं अभी लॉन्च में बैठा हुआ हूँ। और यहाँ का ये जो सोफ़ा है ना गाइज, मतलब इतना सॉफ्ट है कि बहुत मस्त। और यहाँ पर अभी हम लोग को चाय पीने के लिए रोका गया लगा। अपने दिल से बता रहा हूँ, मतलब सच्ची में मुझे बहुत अच्छा लगा। तो कुल मिलाकर ये होटल हम लोग के लिए 20 out of 10 था, 20 out of 10। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग होटल बालाजी प्रकाश।